आज हम लोगों ने इसी सर्किट में एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लिया हुआ है, जो कि इस प्रकार से है। इफ़ द वोल्ट मीटर रीड्स 60 वोल्ट, फाइंड द रीडिंग ऑफ अ मीटर। तो हम लोगों को इस वोल्टेज का मान कितना दिया हुआ है, 60 वोल्ट। इस 60 वोल्ट को हमको यूज़ करते हुए अ मीटर में करंट के मान को क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। तो आइए इस वोल्ट मीटर को यूज़ करके किस प्रकार से अमीटर के रीडिंग को कैलकुलेट किया जाता है, उसको देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। इस सर्किट को सॉल्व करने से पहले हमको कुछ एजम्पशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं कितना करंट एज्यूम कर लेता हूँ, I2, और यहाँ पर कितना करंट एज्यूम कर लेते हैं, I1। तो यहाँ पर हम लोगों ने I2 और I1 करंट एज्यूम किया। अब हम लोग ध्यान से देखेंगे कि यह जो 60 वोल्ट मीटर है और यह जो 4 ओम रेजिस्टेंस है, दोनों आपस में कैसे कनेक्ट हैं, पैरेलल में कनेक्ट हैं। तो पैरेलल में कनेक्ट होने के कारण हम लोग करंट का वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो करंट का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, I2 इज इक्वल टू V अपॉन क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। अब V का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, 60 वोल्ट, और रेजिस्टेंस का वैल्यू 4 ओम दिया हुआ है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो करंट का वैल्यू क्या होगा, कितना मिलेगा, 15 एम्पियर मिलेगा। यह जो 15 एम्पियर करंट है वह किसका मान है, I2 का मान है। तो अब ध्यान से देखेंगे, यह I2 करंट 4 ओम से भी होके जा रहा है और इस कैपेसिटेंस से भी होके जा रहा है। तो हम लोगों को क्या करना होगा कि टोटल वोल्टेज का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो वो टोटल वोल्टेज का वैल्यू किस प्रकार से कैलकुलेट होगा, तो टोटल वोल्टेज का वैल्यू हम लोगों को कितना वी दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर का टोटल इम्पीडेंस लेना पड़ेगा। तो वी बराबर क्या होगा, आई टू इंटू वहाँ पर के इम्पीडेंस को कितना ले लेते हैं, जेड टू। अब हम लोग क्या करेंगे, आई टू के वैल्यू को पुट कर देंगे तो वह कितना है, 15 एम्पियर है। अब जेड टू के वैल्यू को किस प्रकार से लिखेंगे, जब कभी भी रेजिस्टेंस के साथ कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन किया जाता है तो उसको हमेशा माइनस करके लिखा जाता है। तो 4 माइनस कैसे लिखेंगे, 4J। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल वोल्टेज के वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, किसके हेल्प से, कैलकुलेटर के हेल्प से। तो हम लोगों को टोटल वोल्टेज का वैल्यू कितना मिल जाएगा, और यहाँ पर हम लोगों ने इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग कितना ले लिए हैं, Z2, और यहाँ पर इन दोनों के कॉम्बिनेशन को कितना ले लिए हैं, Z1। टोटल वोल्टेज का मान कैलकुलेशन करने के लिए हम लोगों को कैलकुलेटर को कॉम्प्लेक्स मोड में चेंज करना होगा। तो मोड करके 2, फिर वैल्यू पुट करते हैं, I का वैल्यू कितना है, 15, और इम्पिडेंस का वैल्यू कितना है, 4 माइनस 4I। तो हम लोगों को कितना मिल जाएगा, करंट का वैल्यू। तो हम लोगों को करंट का वैल्यू कितना मिल गया, 84.85, और एंगल कितना हो जाएगा, -45, और वोल्ट मीटर का यूनिट क्या होता है, वोल्ट, या वोल्टेज का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, V का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब इस V के वैल्यू को यूज़ करके आगे कैलकुलेशन हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को सर्किट को ध्यान से समझना होगा, जो यह टोटल वोल्टेज के एक्रॉस Z1 और Z2 कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो पैरेलल में कौन सा क्वांटिटी सेम होता है, वोल्टेज का वैल्यू क्या होता है, पैरेलल में सेम होता है। तो जो ये वोल्टेज कैलकुलेट किए हैं, 84.85 एट एन एंगल ऑफ -45, तो इसका यूज़ करके हम लोग किसका कैलकुलेशन करेंगे, I1 का। तो हम लोग I1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V अपॉन Z1, जहाँ पर V का वैल्यू हम लोग कितना ले सकते हैं, 84.85 एट एन एंगल ऑफ -45 डिग्री, और Z का वैल्यू किस प्रकार से लेंगे,
या रेजिस्टेंस और किसका कॉम्बिनेशन है, इंडक्टेंस का। तो हम लोग जेड को किस प्रकार से लिख सकते हैं, 6 + 3j। अब इनका हम लोग क्या करेंगे, केल्सी से वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम लोगों को कितना मान प्राप्त होगा उसको देख लेते हैं। सबसे पहले डिवाइड बटन को प्रेस कर लेते हैं और न्यूमरेटर में लिख लेंगे 84.85 एंगल -45, और डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं 6 + 3i। तो हम लोगों को वैल्यू कितना मिल जाएगा, शिफ्ट करके 2 और 3, तो हम लोगों को करंट का वैल्यू कितना मिल गया, 12.64 और एंगल में -71.56। तो हम लोगों ने I1 का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब इस I1 और I2 के वैल्यू को यूज़ करके हम लोग टोटल करंट का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो आइए देखते हैं वो किस प्रकार से कैलकुलेट होता है। तो सर्किट को आप लोग ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ। तो यहाँ पर से हम लोगों का I करंट क्या है, इनकमिंग है, और इस पॉइंट से I1 और I2 क्या है, आउटगोइंग है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा लेंगे, किरचॉफ करंट लॉ लगा लेंगे। तो यहाँ पर किरचॉफ करंट लॉ में क्या होता है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो अमीटर का करंट हम लोग किस प्रकार से लिख लेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I1 + I2। अब I1 का वैल्यू हम लोगों को कितना मिला हुआ है, 12.64 और एंगल में -71.56, और I2 का वैल्यू हम लोगों को कितना पता है, 15 एम्पियर पता है। तो उसके वैल्यू को पुट कर लिए। अब इन दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, कैलकुलेटर से ऐड कर देंगे और हमको कोई एक मान मिलेगा, वह क्या होगा, अमीटर का रीडिंग होगा। तो आइए इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, यह दोनों क्वांटिटी को क्या करना है, ऐड करना है। तो उसके लिए हम लोगों को कैलकुलेटर का यूज़ करना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं 12.64 शिफ्ट करके -71.56 +15। तो हम लोगों को कितना वैल्यू मिल जाएगा, शिफ्ट करके 2 3, फिर इक्वल, फिर तो हम लोगों को कितना मिल गया, टोटल आई का वैल्यू मिल गया 22.46 और एंगल में कितना, -32.25। तो ये हो गया, और ये करंट है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। हम लोगों ने अमीटर से फ्लो होने वाले करंट को कैलकुलेट कर लिया, जिसका वैल्यू क्या है, 22.46 एट एन एंगल -32.25 और यूनिट क्या हो गया, एम्पियर हो गया। तो यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक या आज का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको यह क्वेश्चन या बताने का मेथड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।